मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह इंदौर जिले के सांवेर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के पक्ष में प्रचार प्रसार किया। इस दौरान जयवर्धन सिंह ने प्रदेश सरकार और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर हमला बोला और कहा कि सांवेर की जनता को मंत्री तुलसी सिलावट के स्वार्थ के कारण कोरोना महामारी में चुनाव के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। कमलनाथ ने सांवेर में मेट्रो ट्रेन चलाने का वादा किया था, क्या सिलावट के लिए इतना काफी नहीं था जो उन्होंने जनता के वोट को बेच दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सिंधिया और उनके समर्थकों ने गद्दारी करके जनता का बहुत बड़ा अपमान किया है। आप जो पुराने भाजपाई उनसे खुद ही पूछ लीजिए, नए नए अब बीजेपी के लोग उनके सिर पे आके बैठ गए हैं। इंदौर में भाजपा के बहुत सारे दिग्गज नेता हैं जो मंत्री नहीं बन पाए इन्हीं लोगों के कारण। किसी को कभी उम्मीद नहीं थी कि सिंधिया जी बिना किसी को बताए पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया, सिंधिया और उनके जो विधायक और मंत्रियों ने, जिन लोगों ने गद्दारी की है पार्टी के साथ तो की है, लेकिन जिस जनता ने इन लोगों को वोट दिया था, सबसे बड़ा धोखा जनता के साथ हुआ है। जनता के वोट को बेचकर बीच कार्यकाल में दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए जिसके खिलाफ जनता ने वोट किया था, तो इससे बड़ा अपमान जनता का नहीं हो सकता। लेकिन आज अगर चुनाव हो रहे हैं तो यहाँ के जो पूर्व विधायक थे और जो अभी बिना कोई पद पर रहकर मंत्री बने हैं तुलसी सिलावट जी, उनके स्वार्थ के लिए चुनाव हो रहे हैं।